एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो बीएड सेकंड ईयर की बुक है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी पेपर टू, उसके यूनिट वन का पार्ट सिक्स। इसके बाद एक और पार्ट रहेगा और फिर आपके यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? देखो, ब्लूम ने कोई टैक्सोनॉमी दी थी पहले, फिर उसमें कुछ चेंजेस लाए उसने, तो हम उस रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी जो चेंजेस लाने के बाद जो टैक्सोनॉमी बनी है हम उस टैक्सोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं। अब टैक्सोनॉमी वर्ड बहुत बार सुन रहे हो, तो पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी मीन्स अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जब हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। कोई भी चीज़ को क्लासिफाई करना, अपने अपने एंड ऑर्डर में क्लासिफाई करना, टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफाई करना प्लस से ऑर्डर में क्लासिफाई करना। लाइक आपने क्या करा, आपने बीएड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करा, फिर उनके टॉपिक्स को क्लासिफाई करा, तो क्लासिफिकेशन है। तो आपने पहले सब्जेक्ट्स लिए, फिर उनके फर्दर यूनिट्स लिए, यूनिट्स में सब टॉपिक्स लिए, तो इस तरह ब्रांचेस बन गई। तो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होता है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन करता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैंने आपको बताया, जब भी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो टीचिंग में एक टीचर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई भी चीज़ करने, सिर्फ टीचिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपको वो काम करने के बाद आप क्या चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस काम को लेकर। आप ऑब्जेक्टिव आपका वो एम हो जाता है एक तरह का, ठीक है। अब हम टीचिंग कर रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस लाना चाहते हैं। अब वो क्या चेंजेस, किस एस्पेक्ट में वो चेंजेस लाना चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और ब्लूम्स ने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में बांटा है। वन इज़ द कॉग्निटिव डोमेन, अदर इज़ अफेक्टिव डोमेन, और अगला है हमारा साइकोमोटर डोमेन। मतलब ब्लूम ने तीन डोमेन्स में बांट दिए हैं अपने ऑब्जेक्टिव। एक है कॉग्निटिव, जहाँ पर कि सोच दिमाग का काम होगा, मतलब उससे रिलेटेड आप क्या चाहते हैं बच्चे क्या सीख जाए, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके बच्चे से। अफेक्टिव, जहाँ इमोशन से कनेक्टेड चीज़ें आएंगी, और साइकोमोटर, जहाँ पे मोटर स्किल्स आएंगे, यानी कि कुछ काम करना, कुछ कला। अब पहले क्या था, पहले की अगर हम बात करें तो पहले उसने ये सारी चीज़ें जो दी थी वो वर्ब की टर्म्स में दी थी, क्रिएटिंग, इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग, अप्लाइंग। लेकिन अब उसने रिवाइज कर दी अपनी टैक्सोनॉमी, और रिवाइज करने के बाद नई टैक्सोनॉमी जो बनाई उसमें उसने सारी टर्म्स नाउन की तरह इस्तेमाल करी। जैसे कि समझते हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन है ना आपका, आप कॉग्निटिव डोमेन में देख रहे हैं, आपके ये फर्दर छः कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, क्रिएटिंग, मतलब वर्ब्स थे क्रिएटिंग, इवैल्यूएशन भी था, है ना, फिर एनालाइजिंग, उसके बाद आपका अप्लाइंग। अब ये सारी चीज़ें वर्ब की फॉर्म में थी, ठीक है, अप्लाइंग। लेकिन उसने क्या किया, इन सबको अब किस में, जब उसने रिवाइज करी अपना टैक्सोनॉमी, इन सबको उसने चेंज कर दिया नाउन की फॉर्म में। तो अब इन चेंज्ड वाली टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, राइट। तो अभी कॉग्निटिव टर्म्स में, मैं कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात करूँ, तो मैंने आपसे कहा था दिमागी चीज़ों से रिलेटेड है, तो उसने अपने कॉग्निटिव डोमेन के भी फर्दर छः कैटेगरीज बना दी। छः चीज़ों के बेसिस पर वो कॉग्निटिव डोमेन को जज करने लगा। उसके जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस तरीके से थे, मतलब उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स, उसने जो सेट करा कि पढ़ाते समय जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, ब्लूम्स और उसके एसोसिएट्स ने क्लासीफाई करा ऑब्जेक्टिव्स को, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव को, छः कैटेगरी में, कि हम कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बच्चों से क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं। तो नॉलेज पहले बात करते हैं, नॉलेज क्या होती है,
किसी स्पेसिफिक चीज़ की नॉलेज, किसी टर्म्स की नॉलेज। जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं, हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो आपको वो टर्म टेक्सोनॉमी के बारे में क्या नॉलेज है, या किसी स्पेसिफिक चीज़ ब्लूम्स के बारे में आपको क्या ज्ञान है, या किसी स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, लाइक सनराइजेस इन द ईस्ट, आपको कितनी फैक्ट्स की नॉलेज है बच्चों को, ठीक है। या फिर मतलब आप पढ़ाने के बाद क्या चाहेंगे बच्चों को नॉलेज आ जाए, किस किस की नॉलेज आ जाए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज आ जाए, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की नॉलेज आ जाए। हर क्लास में कुछ नई टर्म्स पढ़ता है बच्चा, तो आपकी कुछ उम्मीदें होती हैं कि इस क्लास के बाद बच्चा ये टर्म्स सीख जाए, बच्चे को ये फैक्ट्स याद रहें, है ना। बच्चा क्या सीख पाए, सीक्वेंसेस सीख पाए, नहीं तो नॉलेज बड़ी अलग अलग तरीके की हो सकती है। सीक्वेंसेस सीख पाए, नई मेथडोलॉजीज सीख पाए, आपने मैथ्स में नई मेथड सिखाए बच्चों को, वो बच्चे सीख पाए, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। नई थ्योरीज सीख पाए, नए स्ट्रक्चर सीख पाए, तो आप जो नॉलेज दे रहे हैं वो नॉलेज इस तरीके से बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं आप, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। किसकी टर्म्स में, नॉलेज के टर्म्स में, नॉलेज किस डोमेन में आ रहा है, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ रहा है, क्लियर। तो नॉलेज हमारा लोएस्ट लेवल रहता है, मैंने कहा था ना टेक्सोनॉमी ऑर्डर में रहती है, तो नॉलेज सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे पहले नॉलेज का ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें हम स्पेसिफिक फैक्ट्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज, इन सब की नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉलेज में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि हमें पहले से क्या पता है, बच्चों से रिकॉल करवाते हैं, है ना। वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, PKT जो हम करते हैं, उसमें प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पहले प्रीवियस नॉलेज ही तो टेस्ट करते हैं ना, बच्चों को कितने पहले फैक्ट्स पता हैं ऑलरेडी, कितनी थ्योरीज वो जानते हैं ऑलरेडी, फिर हम उसमें उनको नया ऐड करवाते हैं, है ना। अब फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज पर बेस्ड है। पहले नॉलेज आएगी बच्चे को, पहला ऑब्जेक्टिव आपका नॉलेज ही रहेगा, फिर आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज पर बेस्ड है। अगर नॉलेज नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी जब बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है, तो पहले नॉलेज, फिर आपका आएगा कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पर आप अंडरस्टैंड करेंगे उन फैक्ट्स को जो आपने वहाँ पर समझे, याद करें, नॉलेज मिली जिन फैक्ट्स की, अब उन्हें समझेंगे, उनको समझेंगे कैसे, उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। मतलब ट्रांसलेट करना, आपने नॉलेज तो ले ली, टीचर ने आप बच्चे को नॉलेज दे दी, मतलब आपने बच्चे को नॉलेज दे दी, बच्चे उस नॉलेज को ट्रांसलेट अपने वर्ड्स में किस तरीके से करते हैं, वो है उनका कॉम्प्रिहेंशन। तो हमें, हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नॉलेज लेने के बाद बच्चे उसे अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट भी कर पाएँ, उसके बाद क्या कर पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ। अब ट्रांसलेट कर पाना ओके है, इंटरप्रेट कर पाना मतलब किसी दूसरे को उसे समझाना हो, उसे क्लासिफाई करना हो, उसे वेरीफाई करना हो कि जो नॉलेज उसे कहीं से भी मिली है वो सही है कि नहीं, वो कर पाए वो। उसके बाद नॉलेज को बाकी सब्जेक्ट से रिलेट कर पाए, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा सीख जाए, हमारा स्टूडेंट जो है वो ये सब चीज़ें सीख पाए। तो एक टीचर के ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स किसने सेट करने में मदद करी है, ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। इंस्ट्रक्शन मतलब जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन के बाद बच्चे ये चीज़ें सीख जाएँ। थर्ड आता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, नॉलेज तभी तक यूजफुल है जब तक आप उसे यूज़ में ला पा रहे हो। नॉलेज यहाँ पर रखी है, आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ जस्ट वेस्ट। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि बच्चा सीखने के बाद उसे अप्लाई भी कर पाए। तो हमारा जो थर्ड सीढ़ी का थर्ड स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, एप्लीकेशन, जहाँ पर एबिलिटी को, अपनी नॉलेज को वो अप्लाई कर पाए अपने डे टू डे लाइफ में, जनरल आइडियाज़ में, अदर सब्जेक्ट्स में, हर जगह पर। अब एनालिसिस, जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब अब हायर लेवल को समझना,
समझ लिया बच्चे ने, इंटरप्रेट कर, नॉलेज को कॉम्प्रिहेंशन में इंटरप्रेट कर लिया, अप्लाई भी करना सीख गया, अब वो थोड़े हायर लेवल पर जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है, लेवल है ना। अब यहाँ पर बच्चा, हर बच्चा इस प्रोसेस स्टेप तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जो उसे मेन नॉलेज मिली वो उसे कुछ एक्स्ट्रा सीख पा रहा है, उससे कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ पा रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन होता है आइडियाज़ का, सारे आइडियाज़ बच्चा अप्लाई करता है, और लर्नर जो है वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके कुछ नया जानने की कोशिश करता है, सबको देखता है, सेलेक्ट करता है उसमें से। फिर उसके बाद सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब अब जो उसने टूटी टूटी चीज़ें ली हैं उन सबको जोड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट। इसमें सभी ऑब्जेक्ट्स लर्नर को इस चीज़ में मदद करते हैं कि वो सारी नॉलेज को एक्वायर करके कुछ नया प्रिंसिपल बना पाए। और फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन, जहाँ पर हम ये बीइंग अ टीचर हम इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे ने कौन से ऑब्जेक्टिव्स, बच्चे को हम मतलब हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स पर हमारे बच्चे खरा उतरे हैं। क्लियर। अब आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन पता चल रहा है यहाँ पर इमोशन से कनेक्टेड। अब देखो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, पर इमोशनली बच्चा कनेक्टेड नहीं है, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप रहता है इसमें रिसीविंग, यानी कि एक बच्चा प्रिपेयर हो कुछ सीखने के लिए, कुछ रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन की बात, इसको हमने अफेक्टिव में क्यों डाला, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा मेंटली क्लास में होता है बट फिजिकली क्लास में नहीं होता, यानी वो रिसीव करने के लिए बैठा ही नहीं है, आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं बीइंग अ टीचर। तो यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है जानना कि बच्चा रिसीव कर रहा है कि नहीं। तो लर्नर की पहले हमें क्या करना होता है, लर्नर को अवेयर करना होता है कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। कई बार बच्चे बिल्कुल लॉस्ट होते हैं तो टीचर कोशिश करती है, यस लास्ट बेंच लुक हियर, तो ये क्या है, बच्चे को पहले अपनी तरफ लाना, उसको समझाना कि यार क्लास में कुछ चल रहा है, ठीक है। फिर अपनी इंटेंशंस बताना बच्चे को, क्लास में क्या समझाना चाहते हो आप, और उसके बाद बच्चे की अटेंशन को आपने कंट्रोल कैसे करना है, ताकि बच्चे के ज़रा भी इधर उधर अटेंशन होए तो आप कंट्रोल करके उसे वापस अपनी तरफ लेकर आए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ टीचर। तो ये चीज़ उसको रिसीविंग में मदद करेगी। अरे जब तक वो आपके कंटेंट को रिसीव ही नहीं करेगा तो आगे तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा ना। तो अफेक्टिव डोमेन में ये ऑब्जेक्टिव रहता है, रिसीव कर लिया। अगला स्टेप आता है रिस्पॉन्डिंग। अब बच्चा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं, उसने रिसीव तो कर लिया पर उसे क्या समझ में आया, तो इसका मतलब उसको इतना एबल बनाना है, इतना कैपेबल बनाना है कि वो आपकी पढ़ाई हुई चीज़ों को जब आप पूछे या कोई और पूछे तो उनको रिस्पॉन्ड कर पाए। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जब बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता है। हो सकता है उसे समझ ही नहीं आया, उसने रिसीव ही नहीं किया, यानी फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि पहला स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा स्टेप नहीं आएगा। हो सकता है उसे रिसीव कर लिया हो लेकिन इमोशनल कनेक्शन की वजह से, कोई डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से बच्चा रिस्पॉन्ड ना कर पा रहा हो। तो हमने ये पूरी कोशिश करनी है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ताकि वो रिस्पॉन्ड भी कर पाए। वैल्यूइंग मतलब हम एक डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट आइडिया से बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चा उस वैल्यू को समझ पाए जिससे हम उसे समझाना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पाए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलेटिवली एंड्योरिंग वैल्यू स्ट्रक्चर इन द लर्नर बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग डिफरेंट वैल्यू पैटर्न्स। अब डिफरेंट वैल्यू पैटर्न्स जो उसे मिले हैं उनको ऑर्गेनाइज करके, सिंथेसाइज करके वो अपनी खुद की एक वैल्यू बनाए, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन बाय द वैल्यू, ये हाइएस्ट लेवल होता है अफेक्टिव डोमेन का, सबसे हाइएस्ट लेवल, जब उसे वो वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर ली, अब वो उस वैल्यू से जाना जाएगा। इस स्टेज में उसके एटीट्यूड, उसके वैल्यू पैटर्न सब झलकते हैं, टीचर्स के वैल्यू पैटर्न्स बच्चे के अंदर झलकना शुरू होते हैं, उसके लाइफस्टाइल में आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल लास्ट में जाकर होती हैं। तो ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू, कि वो अपनी वैल्यू से जाना जाता है।
ठीक है। फिर आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन होता है जहाँ पर हमारे वर्किंग ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं, तो हमारे स्किल्स जहाँ पर यूज आते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स मतलब जो सबसे छोटे बच्चे के साथ जहाँ पे जैसे रिफ्लेक्स होता है जहाँ पर आप अपनी इच्छा के बिना कर रहे हैं, आंखों की पलकें झपकती हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट। छींक आती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट। आपने हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर रखा, हाथ पीछे ले लिया, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो बहुत असेंशियल है ये एबिलिटी आपके अंदर एज अ ह्यूमन बींग होना। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहता है पढ़ाने का, ठीक है। क्या इसमें तो ये हमारी सारी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हमारे हमारे एक जनरल ह्यूमन एबिलिटी को बताती हैं, ठीक है। फिर आते हैं बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। जब बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट सीखता है, मतलब वो अपना हेड घुमाने का, मतलब सर घुमा रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, बेसिक मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है हम तब की बात कर रहे हैं। जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं, बेसिक ह्यूमन एबिलिटीज। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स कौन सी होंगी? जहाँ पर हम उसकी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, उसके हाथ उठाने में, पैर उठाने में, नेक रोटेट करने में, ये सब बेसिक मूवमेंट्स। फिर आती है फिजिकल एबिलिटीज, जहाँ पर अर्जेंट नीड हो जाती हैं, मतलब ज़रूरत ही, जैसे आप हार्ड लेबर करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को मोड़ना, तो ये हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ हैं। ये कोई कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है। स्किल्ड मूवमेंट्स आती है फिर, एक प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, डांस करना जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड हों, ठीक है, स्विमिंग, टेलरिंग, ये सीखा जाता है। तो ये भी हमारे मोटर स्किल्स हैं, मतलब हमारे इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए इनको साइको मोटर डोमेन के अंदर डाला गया है जहाँ पे कुछ काम करना होता है, मूवमेंट्स की बात हो रही होती है। फिर आती है परसेप्चुअल एबिलिटीज, जहाँ पर बच्चा जान पाता है, बिलोंगिंगनेस आती है उसे किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और लर्नर्स इज एबल टू डिराइव यूजफुल मीनिंग आउट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द सेंसेस। मतलब उसने सेंस कर ली चीज़ें और सेंस कर कर ही वो समझने लगता है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये एबिलिटी परसेप्चुअल एबिलिटी, लाइक आपने आईज क्लोज भी कर ली तभी आप अपने सेंसेस के थ्रू, या आपने स्मेल कुछ बनाए खाने को अपने स्मेल से रियलाइज कर लिया कि क्या बना है, दैट इज़ परसेप्चुअल एबिलिटी। और फिर हमारी लास्ट आती है नॉन डिस्क्रिसिव कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ ये हाइएस्ट लेवल है हमारा साइकोमोटर डोमेन का, जहाँ पर सभी बॉडीली मूवमेंट्स और इनर फीलिंग्स इकट्ठे मिलकर काम करती हैं और कम्युनिकेट करती हैं सामने वाले पर्सन से। जब आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं अपनी सभी चीज़ों का यूज़ करके, दैट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन विच इज़ नॉन डिस्क्रूसिव कम्युनिकेशन। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हमारे दिमाग में रहते हैं। ब्लूम्स ने ये टेक्सोनॉमी दी थी ऑब्जेक्टिव्स की, क्लियर। 2005 में रिवाइज हुई थी ये टेक्सोनॉमी और उसने अपने सभी टीम मेम्बर्स के साथ मिलकर इसे डिज़ाइन किया था। तो हमारा भी ये मोटिव रहना चाहिए कि जब हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो सभी नहीं पर कुछ कुछ चीज़ें एज ऑब्जेक्टिव लेकर चलें, और हम चाहें कि बच्चा ये सब चीज़ें सीख जाए। हमें ऐसे सब पर ध्यान देना है, बट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, कहना बहुत आसान है लेकिन बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाना मुश्किल है। बट हमारा टारगेट बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ बीएड का एग्ज़ाम ही हमारा टारगेट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे टीचर फैसिलिटेटर का काम कैसे करता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।